हेलो जी, नमस्ते एंड अ वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू हिमाचल प्रदेश. अगेन आई एम बैक हियर एंड दिस टाइम मैं आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल प्लेस को विजिट करने के लिए जो कि मनाली से बहुत पास है. मुझे उस जगह से बहुत प्यार है और मुझे लगा बिफोर विंटर हिट्स मुझे इस जगह को विजिट करना है और दैट्स व्हाई आई एम हियर. लास्ट नाइट हमने बोट की थी दिल्ली से मनाली की बस वॉल्वो और उसके बाद हम सुबह सुबह मनाली पहुंच गए. मनाली में अभी जस्ट थोड़ा सा रेडी हुए हैं और थोड़ी देर में यहाँ से ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे सेथन की तरफ. सेथन पहुंचने के लिए यहाँ से कुछ करीबन 40 मिनट्स लगता है, 40-45 मिनट्स, वो भी बिकॉज रास्ता थोड़ा सा ख़राब है आगे, तो वो रास्ता क्रॉस करते हुए और बहुत ही सुंदर नज़ारों के साथ हम सेथन पहुँचेंगे. और सेथन पहुँच के आपको मैं बताऊँगी कि हम कहाँ पर स्टे कर रहे हैं और मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ 2-3 दिन के लिए. तो आपको भी इस व्लॉग में ना काफ़ी शांति और काफ़ी सुंदरता नजर आने वाली है. सो कीप ऑन वॉचिंग एंड लेट्स बिगिन द जर्नी. सेथन में जस्ट घूम रहे हैं और घूमते घूमते हम एक ये पॉइंट पर आए हैं जहाँ पर नज़ारे बहुत सुंदर, मतलब सेथन अपने आप में बहुत सुंदर है, पर अलग अलग ऐसे जगह से निहारना प्रकृति को और बस देखते रहना अपने आप में एक अच्छी फीलिंग है. मैं लास्ट टाइम जब आई थी तो ये पीछे आपको मेरे ऐसा मेडो दिख रहा होगा, इस तरफ से कहीं से हम चढ़ के ऊपर गए थे और फिर हम वापस आए थे. अभी अच्छी धूप के साथ यहाँ पर बैठकर हम अभी ब्रेकफास्ट करने वाले हैं. आई मीन इस धूप का इंतज़ार हो रहा था, कल पूरा दिन बड़ा ग्लूमी ग्लूमी सा था, बट आज वेदर गॉड ने थोड़ी सी हम पे ऐसी कृपा कर दी है. सो द वेदर इज़ वेरी नाइस, टच वुड पूरा दिन ऐसा ही रहे, क्योंकि हमें बहुत ही अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करने जाना है जिसके लिए हमें थोड़ी सी हाइक भी करनी पड़ेगी. सो उसके लिए वेदर का साफ होना, धूप होना बहुत ज़रूरी है. तो या अभी हम यहाँ पर बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे और इस ट्रिप में मेरे साथ निहारिका भी है. हमारा ब्रेकफास्ट आ रहा है, पूरा नहीं आया. हाय दोस्तों, हेलो. वैसे आप लोगों ने हमको साथ में आगरा में देखा था, उसके बाद ये अपने बहुत ही डिफरेंट प्रोजेक्ट में बिजी रहती है, अपने अलग सफ़र में बिजी रहती है. तो आप इसकी बॉर्डर सीरीज ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखी है, तो इट्स like something else, you should watch it. But I'm glad today we are sitting here in Sethan having some delicious breakfast. Yeah. धूप में. Okay, everybody, we are all set to explore Sethan. हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो लेट्स गो. सो मीट नवांग.
टकरा चुके हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किससे सुने हैं यूं तो कहीं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में। चीका because it's month of October and autumn season is here, you can see all around leaves falling down the trees and it's quite beautiful, very sundar, like bahut sundar, very sundar. aur ye jo dar ke ped hote hain lambe lambe, ye to hamesha aise hi rehte hain, inko dekh ke na mujhe pata hai kya feeling aati hai jab bhi main pahadon mein ye bade, ye hame life ki har situation mein na खड़े रहना सिखाते हैं कि डम जम के सामना करो, कैसी भी मुसीबत क्यों ना आए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लाइक ये हर सीज़न में खड़े हैं, डम डट के खड़े हुए हैं, तो पेड़ जो है आपको यही सिखाते हैं, यही सीख देते हैं. एंड वेन एवर आई कम टू द माउंटेंस आई सी दिस बिग लार्ज ट्री, लाइक हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड, लाइक 100, 200, 300 ईयर्स ओल्ड ट्रीज, टीच यू लाइक दैट ब्रो, यू शुड स्टैंड लाइक दिस नो मैटर वॉट सिचुएशन इज इन योर लाइफ, इट्स कमिंग गोइंग, इट्स लाइक ऑलवेज बैड डेज गुड डेज, आते जाते रहेंगे बुरे अच्छे दिन सब कुछ, बट हिम्मत नहीं आनी चाहिए कभी भी, दैट्स द ओनली पॉइंट. अरे बहुत ईजी, आ जाओ इधर से, कुछ नहीं है. हाँ जी, तो हम यहाँ पर एक स्पॉट तक पहुँच गए हैं, बस हम इससे आगे नहीं जाएंगे, मतलब थोड़ा सा आगे एक एरिया है उसको चीका बोलते हैं, उससे पहले हम रुके हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा है, तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं, धूप आ गई, आ जाओ बाहर, कुछ खाते हैं और सुंदर नज़ारे देखते हैं. उफ क्या नज़ारे हैं. कुछ ड्रोन शॉट्स ले रही थी आप लोगों को सुंदर वैली दिखाने के लिए, और अचानक से मौसम एकदम बदल गया और ऐसा लग रहा है बहुत बारिश होने वाली है, और प्रेडिक्शन भी था, तो फटाफट से यहाँ से हाइक डाउन करते हैं, जैकेट वगैरह सब पहन लिया है, हवाएं बहुत तेज़ चल रही है गाइस, इट्स लाइक क्रेजी, फटाफट से भागना पड़ेगा नहीं तो पूरे भीग जाएंगे हम. सो या वी आर गोइंग बैक, बाय बाय भैया. अरे रुको गाइस, पैसे ही नहीं दिए. सो हम उनको पैसे देना भूल गए थे मैगी वैगी खाने के बाद. वो दे दिया, अब हमें फटाफट से ट्रैक डाउन करना पड़ेगा. लेट्स गो. बारिश अब बहुत तेज़ हो गई है, हम बहुत अच्छा हुआ हम वापस नीचे आ गए जल्दी जल्दी से, अभी हम गीला पकड़ के थोड़ा मीठा रहता है. पर ये अपने ऊपर है, सब नहीं बनाते, हम जैसे मीठा नहीं बनाते. जो पांडुरूपा है उसका क्या हिस्ट्री है, मतलब क्या था वहाँ पे, पांडव आए थे कैसा था? पांच भाई पांडव जो 13 साल अज्ञातवास था ना, उस टाइम आए थे यहाँ पर. अच्छा, फिर उन्होंने धान धून खेती किया, यहाँ पे रहे थे कुछ साल. हाँ साल बैठे उन लोग. अच्छा, तो यहाँ पे गुफा है. गुफा है, गुफा में बैठे उन लोग. अच्छा, तो यहाँ पे अभी क्या करते हैं, पूजा? खेती बाड़ी किया उन्होंने यहीं पर. हाँ, फिर भीम को आता था गुस्सा. हाँ, तभी तो ये थोड़ा नीचे हो गया, नहीं तो ये भी ऊपर था, वो भृगु के बराबर था, उसने एक ही मुक्का मारे ये बैठ गया, दूसरा मुक्का मारता नीचे बैठ जाता था, उसकी माँ ने रोक दिया, बोले
बेटा मत मारो, तू नीचे बेताल में पहुंचा देगा हमको। अच्छा ऐसा है। फैन खाएंगे हम, इसको हम लोग, इसको हम लोग गुजराती में खारी बोलते हैं, बट यहाँ पे फैन बोलते हैं इसको। तो हम ये खाते हैं, गरम गरम चाय पियेंगे। गरम गरम चाय पियो, आप भी पियो ना। अच्छा नहीं, पर हम ना ऊपर गए थे इस तरफ, तो हमने यहीं पे खाया और फिर हम आगे को गए। अच्छा, थोड़ा आज पूरा अच्छे से घूमा, पर पहले घूमा नहीं था। ठाकर बंद हो, ठाकरी बंद है। हाँ जो चल रहा है। तो जी अब हम चलते हैं वापस अपने। अरे जी वो देखो सिलाजीत किधर है। पत्थर में काला काला नहीं है ऊपर, वो होता है वो एकदम काला काला जो दिख रहा है, जो काला है जो। तो ये तो बहुत है, सारा काला तो नहीं है ना, जो चमकता है जो चमक रहा है वो है ना, जो चमक रहा है वो है, जो चमकता है। पर ये कोई नहीं निकाल सकता ना इतना ऊपर, बहुत बहुत खर्चा होता है निकालना। और खर्चा क्या नहीं, हेलीकॉप्टर में लेके जाना फिर वो सब खर्चा है ना। फिर चलो जी आंटी, आंटी जी बता रहे उधर शिलाजीत है ऊपर। एक बार ये एक बंदा गया था निकालने के लिए चॉपर में, और फिर उसने वो क्लाइम करके और वैसे निकाला था, बट हाँ बहुत हाइट पे है, रिस्की है एक्चुअली। The next day. Hello everybody, it's next day morning here in Sethan. It's a very bright and beautiful day. I am all ready to explore again a very beautiful place here. So se pehle let's go and have breakfast and then we'll go. Everybody, welcome to my home in Sethan. So yeah, this is the property name Woodland Chalet. और नीचे प्रॉपर्टी मैंने आपको जैसे दिखा दी, दिस इज़ द अपस्टेयर्स जहाँ पे बेसिकली तीन रूम है और फैमिली के लिए फ्रेंड्स के लिए यू कैन बुक इट। और तीन बड़े कोजी काटगुनी स्टाइल में बना हुआ हिमाचली लोकल तकनीक से बना हुआ ये घर है, तो बहुत ही गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में थोड़ा सा गर्म रहता है। रात को बहुत ही कोजी, बहुत ही अच्छी नींद आई हमें कल। सो दिस इज़ द कॉमन एरिया जहाँ पर आप बैठ के चिल कर सकते हो, बुक रीड कर सकते हो और इत्मीनान के पल बिता सकते हो। देयर इज वन रूम, टू एंड थ्री। सो इस रूम में हम ठहरे हुए हैं। सो दिस इज अ वेरी कोजी रूम। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी है, सो दैट आपको रात को बहुत ठंड होती है, क्योंकि सेथन हाइट पे है मनाली से, तो यहाँ पर ठंड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर कोजी रखने के लिए इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है। दिस इज अ वेरी कोजी रूम। ये सबसे बड़ा रूम है, बाकी जो दो रूम है थोड़े इससे छोटे बट डिसेंट साइज। सो दिस इज अ रूम नंबर टू, नंबर थ्री। बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है यार, मतलब लुक इट आउटसाइड, लाइक सेथन का पूरा व्यू दिखता है यहाँ से, गांव दिखता है। एंड या यहाँ की भी लाइट हम बंद कर देते हैं, एंड दिस इज़ द कॉमन एरिया। और फिर यहाँ से आप नीचे जाते हो, देयर इज़ अ किचन, यहाँ पर बैठ के हमने आज ब्रेकफास्ट किया है। कितनी प्यारी सी धूप आई हुई है। सो एवरीबॉडी, यहाँ पर ये हाइड्रो प्लांट का देर इज़ अ लेक जैसा, यहाँ पर ब्लू वाटर है, तो हम वहाँ जा रहे हैं आज। देर इज़ अ ट्रेल यहाँ पर, करिए गाड़ी पार्क यहाँ से, ऐसे करके हम यहाँ से आए हैं। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, कुछ हाफ एन आवर लगेगा इस हाइक को। और अब बिकॉज हम लोकल के साथ हैं, वुडलैंड शैलेट के जो फाउंडर हैं नवांग, उनके साथ ही हम हैं, सो वो हमें लेकर चल रहा है। सो आई डोंट कम अलोन, लाइक आपको नहीं पता है तो लेट्स गो। जी तो थोड़ा सा ट्रैक करके हम इस ग्रासलैंड तक पहुंच गए हैं। इससे आगे थोड़ा सा जाएंगे, टूना करके जगह है। वैसे ये जो पूरा आपको ग्रासलैंड दिख रहा है यहाँ पर, ये इस तरफ से हम आए हैं और यहाँ पर लोग कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं। हमने पूछा, वो लोकल है नवांग से, तो उन्होंने कहा यस कर सकते हैं, यहाँ पर कैंपिंग लग भी रहा है, लोगों ने बॉनफायर वगैरह करी हुई है, तो पक्के से यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो। कैंपिंग के लिए दो चीज़ें ज़रूरत है, फ्लैट लैंड और दूसरा वाटर सोर्स। तो यहाँ पर वाटर सोर्स भी है, बड़ी अच्छी सी स्ट्रीम बही हुई है, तो वाटर सोर्स की प्रॉब्लम नहीं है, लैंड की प्रॉब्लम नहीं है, ये है पूरा ग्रास लैंड। तो यहाँ पे
शांति से इत्मीनान से कैंपिंग की जा सकती है। और क्योंकि सीजन में दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल तक पूरी स्नो होती है, तो उस टाइम तो नहीं, बट ऑफ सीजन जब यहाँ पे स्नो नहीं होती है तब कर सकते हो। बट द वन थिंग आई विल ऑलवेज से, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जहाँ पर भी जाओ अपना वेस्ट अपने साथ कैरी करके लेकर आओ, यहीं पर मत फेंक दो। और हाँ जी, एनवायरनमेंट को सुंदर और साफ बनाए रखने के लिए हम सबको अपना अपना योगदान ज़रूर देना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट। तो यार ये जगह जैसी है इसको वैसे ही रखना यार, अगर आप आते भी हो तो कभी। तो गए यहाँ पे, ये रही लेक, हमें और थोड़ा सा चल के जाना है, थोड़ा उसके क्लोजर जाने के लिए। ऐसा नहीं लग रहा कनाडा जैसा, कनाडा जैसा लग रहा है। सो एवरीबॉडी, दिस इज द पॉइंट टिल वेयर वी कैन कम। और हम यहाँ पर आके हमने पीछे ये बढ़िया सी लेक देखी, जो कि हाइड्रो प्लांट की वजह से जो है ये पानी जो है ब्लू हो जाता है, उसका कुछ केमिकल है उसकी वजह से। वैसे आ तो पीछे से वही ग्लेशियर वाटर रहा है जो कि हम कल ऊपर हमने देखा था हमता पास से, जो ग्लेशियर वाटर तो रहा था ये वही है। बट इट्स वेरी ब्यूटिफुल, अभी थोड़ा सा फिर से सनलाइट आ गया है, बीच बीच में चला जाता है। आई मीन या इट्स, आई थिंक इफ़ यू आर इन सेथन यू वांट टू जस्ट कम फॉर लाइक 1 or 2 hours ऐसे हाइक के लिए, थोड़ा सा छोटी सी, और अपना लंच पैक करके ले आओ, वही मेडो ग्रासलैंड पे बैठ के खाओ। इट्स अ वेरी गुड पिकनिक स्पॉट यू कैन से। सो या हम लोग अभी थोड़ा सा यहाँ पर आगे से थोड़ा शूट करेंगे एंड देन वी लीव। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, आप क्या सोच रहे हो मानी? मैं सोच रही हूँ कि काश लाइक मैं यहाँ पर थोड़ी देर ऐसे ऐसे रुक पाती, मतलब शांति से ऐसे बैठ पाती। लाइक आई एम गेटिंग इमोशनल, सॉरी आई डोंट नो, मतलब मैं ऐसे पहाड़ों को जब ऐसे देखती हूँ बहुत ऐसे शांति होती है ऐसे मन में। अभी पता नहीं सुबह से बहुत ही ऐसे शांत वाला फील आ रहा है कि पता, आई डोंट नो, सो पॉजिटिव। 2 hours later, this is our lunch, rice curry and my favorite papad. Gujaratis can never do without papad. aur ye hai niharika mahesh bhaiya, jab aap woodland chalet aaoge to ye aapko milenge, aur bahut hi acha bahut hi swadishth khana banate hain, inke haathon pe jadoo hai actually. to thank you so much bhaiya, aur zarur jaldi milte hain aapse. Okay ji, it's time to say bye to Sethan, but I'm gonna miss this place and especially yahan par like bahut hi acha time spend kiya. So yeah, I will come here very very soon, hopefully during winters, and winter mein aake snowboarding seekhne ki koshish zarur karungi yahan par. तो तब तक के लिए काचा बाय बाय नमस्ते। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी। विल सी यू अनदर टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय नमस्ते।